हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रतिभा क्रिएशन। आज मैं आपको बताऊंगी चोली कट ब्लाउज़ बनाना, जिसे हम कटोरी कट भी कहते हैं। तो इसे दोनों कहा जाता है, चोली कट और कटोरी कट। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने बनाया है और फिनिशिंग के साथ। इसका कटोरी देखिए इतने अच्छे से इसका में प्लेट लगा हुआ है, डॉट लगा, जो कि अच्छे से उभर के आया हुआ। तो हमें इसमें अंदर की गंजी पहनने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम ये ब्लाउज़ पहनेंगे तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कटिंग करके रख लिया है। अगर आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप कटिंग का वीडियो देख लें। तो सबसे पहले हम बैक साइड इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद हम इसे डॉट लगाएंगे 5 इंच की दूरी पे, और इसके लेंथ रखेंगे हम 4 इंच। ये देखिए इस तरीके से, आप इंची टेप की मदद से मेज़र कर लें। और डॉट दबाते समय हम ध्यान देंगे कि हमें 1 इंच डॉट दबाना है। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हमें दोनों साइड में डॉट लगा लेना है। ये देखिए दोनों साइड में डॉट लग चुका है। अब देखिए इसे बीच से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमने कट का निशान लगाया हुआ है, तो ये कट के हिसाब से हमें फोल्ड करना है, क्योंकि हमारी ब्लाउज है 13 इंच की और इसे हमने कट किया था 15 इंच पे। तो ये देखिए इतना फोल्ड में गया और जो बचा हुआ था वो हमारे स्टिचिंग में जाएगा। तो इस तरीके से हम फोल्ड करके सिल लेंगे इसे भी। तो ये सिला चुका है लगभग। बैक साइड सिलने के बाद हम चलेंगे स्लीव की ओर। ये देखिए हमारा स्लीव है, स्लीव को मैंने इस तरीके से रख के पहले इसको अटैच करके सिल लेना है। उसके बाद हम इसका ताल काटेंगे, तो ताल अभी नहीं कट करेंगे, ताल जब हम स्टिच करेंगे तभी कट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने नॉच लगा के पहले ही रखा था और उसके बाद हम इसमें सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करके इसको सिल देना है। तो ये सिलाई करते समय ध्यान दें कि हमें इसमें 5 इंच की सिलाई देनी है, लंबी वाली, क्योंकि हमें बाद में इसे खोल के इस पर तुरपाई भी करना है। और तुरपाई की वीडियो मैं बहुत जल्द डालूंगी, तो आप तुरपाई की वीडियो भी देखें। ये देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है, यहाँ पर मैंने ऑयल डाला था मशीन में, तो थोड़ा ऑयल लग चुका है। तो ये हमारा देखिए डॉट बनाने में हिस्सा है जो कटोरी जिसका चोली बनाएंगे। तो ऐसे हम रख लेंगे और उसका गला देखेंगे। गला देखने के बाद हम इस तरीके से बीच से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद 1 से 1.5 इंच हम अंदर की ओर दबाएंगे और उसकी जो लंबाई रखेंगे डॉट का वो 3 इंच रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें डॉट लगाना है, और एक बार रिटर्न भी लेके आना जिससे ये पक्का हो जाए डॉट और खुले ना। तो ये देखिए इस तरीके से फिर हम डॉट लगाने के बाद कट कर लेंगे, और फिर देखिए हमें दूसरा डॉट कैसे लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। अब यहाँ पर ध्यान दें, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको वीडियो में जैसे दिखाया जा रहा वैसा ही करें। तो ये देखिए बीच से फोल्ड करना है, और देखिए इस साइड का जो है ये एक बराबर आना चाहिए। देखिए ये दोनों हैं, ये दोनों बराबर आना चाहिए। उसके बाद जब बराबर है तभी आप सिलाई करें, और इसमें हमें 1/2 इंच की डॉट लगानी है इस तरीके से जैसे मैं यहाँ लगा रही हूँ। तो आप इस बात का ध्यान दें कि चोली कट में हम जब भी डॉट बनाते हैं तो वो 2 लगाते हैं, जिसको ओपन करने के बाद वो 3 हो जाता है। ये देखिए 3 हो, तीसरा हो गया ये, तो ये 3 हो गया डॉट, लेकिन हमें सिलाई 2 ही करते हैं। ये देखिए हमारा कप बन के तैयार हो गया है, इस तरीके से हमारा कप बनेगा। अब चलिए हम इस वाले को भी रेडी कर लेते हैं। फिनिशिंग का आप ध्यान देते रहे, धागा जो भी स्टाफ से कट करते चले। ये देखिए इससे भी तैयार कर लेते हैं, ये भी हमारा सिला चुका है। अब हम इसे ओपन करके दोनों आपको दिखा देते हैं। ये देखिए गला सामने आ रहा है, और देखिए जो डॉट का निशान है वो एक दूसरे के सामने है। तो ये चीज़ ध्यान दें, डॉट का निशान हमारा एक दूसरे के सामने होना चाहिए। अब इसकी पट्टी साइड की जोड़ते हैं। तो साइड वाली पट्टी देखिए हमें पहले इस तरीके से रख लेना है, और रख के सेट कर लेना। ये देखिए ये हो गया पट्टी, इस तरीके से रखना है। उसके ऊपर हमें ऐसे जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही वैसे रख के हमें जोड़ना है। तो जोड़ते समय आप ध्यान दें कि हमें कटोरी वाला जो हिस्सा है जिसमें हमने डॉट लगाया है उसे हल्का हल्का खींचना है, और जो ऊपर वाली पट्टी है उसे हल्का हमें ढीला करना है, जिससे ये पूरा कवर हो जाए। अगर कभी कभी 19-20 होता है तो हम नीचे से कट कर लेंगे, लेकिन आप कोशिश ये करें, ध्यान दें कि 19-20 ना हो, हमारे एक बराबर अट जाइए। ये देखिए यहाँ पर हमारा टोटल एडजस्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको भी दो पट्टी एडजस्ट कर लेना है और उसे जोड़ लेना है। उसके बाद ओपन करके हम उसके ऊपर एक सिलाई चलाएंगे जिससे ये फिनिशिंग हो जाए।
तो आप ध्यान दें, सिलाई का जो नीचे वाला कपड़ा है वो हमारा डॉट की तरफ नहीं आना चाहिए, जस्ट उसकी पट्टी के साइड में आना चाहिए। तो वो हम आपको सिलाई करके दिखा रहे कैसे है, मेरा आया इधर। तो ये देखिए, ये हमारा डॉट की तरफ नहीं आया हुआ है ये सिलाई, ये हमारा पट्टी की तरफ आया हुआ, इस साइड हमें नहीं आना है। तो इसी तरीके से दोनों तैयार कर लेना है। अब हमें फ्रंट और बैक स्टिच करना है। तो पहले उससे पहले हमें तीरा एडजस्ट करना है। तो तीरा देखिए कैसे एडजस्ट करेंगे, इस तरीके से हम रखेंगे अपने फ्रंट और बैक को, और उसके बाद इंची टेप की मदद से नापेंगे हमें तीरा कितना चाहिए। वैसे तो 4 इंच का तीरा लगेगा, लेकिन एक बार हम इंची टेप से नापेंगे कि हमें कितना चाहिए। और तीरा हम स्टिच करने के बाद ही कट करते हैं, इस बात का आप ध्यान दें, तीरा कटिंग के टाइम पे हम नहीं कट करते। तो यहाँ हमें 3.5 चाहिए, ये देखिए 3.5 चाहिए। ऊपर से हम 1/2 इंच थोड़ा सा सिलाई के लिए रख लिए, फिर भी हमें 3.5 चाहिए। तो हम यहाँ 4.5 रखेंगे, क्योंकि ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो हम फोल्ड में डालेंगे। तो यहाँ देखिए हमें 2.5 चाहिए, और हम नीचे ये फोल्ड के लिए डालेंगे, तो ये 3.5 हो गया। अब इसकी लंबाई ले लेते हैं। तो लंबाई हमें चाहिए 10.5 इंच, ये देखिए इस तरीके से 10.5 इंच चाहिए। तो जो हमने कटिंग की साइड से कपड़ा बचा था हम उसका यूज़ करेंगे, ये देखिए कपड़ा हमारा बचा हुआ था। अब हमको उसी तरीके मेजर कर लेना है, और चौक की से हमें निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हमें इसे कट कर लेना है, कट करके जोड़ना है। तो देखिए इस तरीके से हमें निशान लगाना है पहले। यहाँ पे हम निशान के बराबर लगा के इसे इस तरीके से निशान लगा के अब इसे हम कट कर लिए हैं। तो ये जो साइड का एक्स्ट्रा था उसे भी कट कर लेते हैं। तो चलिए हमारी यहाँ कटिंग हो चुकी है, ये देखिए। अब हम इसे जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए देखिए हम फ्रंट लेंगे, फ्रंट पे इस तरीके से जिस साइड में हमारा डॉट का सिलाई है उस साइड हम रखेंगे, और उसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ये देखिए। यहाँ मेरी सुई थोड़ी धागा निकल रहा था तो हम उसे एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सेट कर लेना, उसके बाद हमें ये डॉट को इस तरीके से फोल्ड करना। तो मैंने इसे भी फोल्ड कर लिया जिससे हमारी फिनिशिंग बनी रहे, डॉट का कपड़ा ऊपर ना आए। तो इस तरीके से हमें हल्के हाथों से पकड़ के, इसे खींचना नहीं है, बिना खींचे हमें अच्छे से सेट करके सिलाई कर देना है। ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ, यह हमारी सिलाई हो चुकी है। अब इसे हम ओपन करेंगे इस तरीके से, देखिए। और उसके बाद हम इसके ऊपर भी एक चाप चलाएंगे जिससे ये बैठ जाए और इसकी सिलाई मजबूत हो जाए। तो ये जो हमारा अंदर वाला थोड़ा सा कपड़ा सिलाई वाली है वो देखिए हमें नीचे की ओर रखना है, और उसके बाद सिलाई करना है इस पर। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा भी पैटर्न तैयार कर लेना, जैसे मैं इस पैटर्न को तैयार कर रही हूँ इस साइड के। तो हमारे यहाँ पैटर्न तैयार हो चुका है। अब हम इसे हुक पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें 2 पट्टी कट करना है, 1 3 इंच का और 1 2 इंच का, या फिर आप 1 1.5 इंच का या फिर 1 2 इंच का कट कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब कहने का ये है कि एक छोटा पट्टी था और एक बड़ा। तो एक पट्टी हमारा ऊपर की ओर से लगेगा, जैसे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, ये देखिए हम ऊपर की ओर से पट्टी लगा रहे हैं और उसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। और दूसरी जो हम दूसरी साइड पट्टी लगाएंगे वो हम नीचे की ओर से फोल्ड लगाएंगे और उसे ऊपर की ओर लाके फोल्ड करेंगे। तो आप इस वीडियो में देखिए जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही फोल्ड करना है आपको भी। We'll be right back.
तो यहाँ बटन पट्टी काच पट्टी लग चुका है। तो चलिए अब इसका कंधा अटैच करते हैं। तो कंधा अटैच करने के लिए हम सबसे पहले बैक साइड रखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बैक साइड तैयार किया था अपना। तो ये हम इस तरीके से बैक साइड रखेंगे और उसके ऊपर अब हम फ्रंट रखेंगे। तो फ्रंट को हम उल्टा रखेंगे। ये देखिए फ्रंट ऊपर की ओर है और बैक साइड ऊपर की ओर है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें रख के शोल्डर अटैच करना है। और देखिएगा हम इसके अंदर सीधा करके सिलाई चलाएंगे, क्योंकि हमें दोनों साइड में सिलाई नहीं दिखानी है अपनी। तो हम इस तरीके से अगर आप सिलाई करेंगे तो आपको दोनों साइड में सिलाई नहीं दिखेगी। तो हम चलते हैं, अब कंधा इसका अटैच कर लेते हैं दोनों साइड का। कंधा अटैच हो चुका है, अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा सीधा हो गया। ये ऐसे हमें सीधा करना है। सीधा करके हमें अच्छे से अपने ब्लाउज को शर्ट कर लेना है। शर्ट करके इसकी किनारी पे हल्का सा बस मार्जिंग देके, बस थोड़ा सा हमें सिलाई चलानी है। तो देखिए हम किस तरीके से सिलाई चलाते हैं। अगर इस तरीके से आप सिलाई चलाएंगे तो नहीं हमारे ब्लाउज के अंदर किस तरह से सिलाई दिखेगा कपड़ा, और नहीं बाहर की ओर से कपड़ा दिखेगा। तो आप भी इस तरीके से सिलाई करें। अगर आप इस ऐसे सिलाई करना नहीं जानते तो इस वीडियो में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे सिलाई करें कि हमारा दोनों तरफ से कपड़ा ना दिखे। तो चलिए अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो इसमें देखिए हमने कोई मार्जिंग नहीं दिया, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखा है, और बिना कपड़ा एक्स्ट्रा रखे हम इसे सेट करके सिलाई करेंगे। तो अमोल को हम पहले प्रिपेयर करके सेट करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम सिलाई करेंगे इसमें। तो हमारी सिलाई हो चुकी है, और थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमें अपने ब्लाउज़ में फिनिशिंग चाहिए। हमें ब्लाउज़ की किनारी में कोई भी मोटापन नहीं चाहिए, एकदम कपड़ा हल्का लगे देखने में। तो इसलिए हम इसे कट कर लेते हैं दोनों साइड का। अब हम चलते हैं अपने फ्रंट बेल्ट को फोल्ड करने। तो फ्रंट वाला जो बेल्ट है वो हमें बैक वाले बेल्ट के बराबर फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से हमें आगे वाले बेल्ट को फोल्ड करके अंदर सिलाई चलानी है। तो इसे भी सिलाई देखिए हमें ध्यान देना कि 5 नंबर की चलानी है, बड़ी वाली टाँकी लगानी है, क्योंकि हमें यहाँ पर तुरपाई करना है। तो आप ये बात ध्यान दें कि कमर पर हमें तुरपाई करना होता तो हम इस पर बड़ी वाली टाँकी चलाएँगे, और साथ ही साथ स्लीव में भी हम बड़ी वाली टाँकी चलाएंगे। तो देखिए इधर अटैच हो चुका है, और इसके ऊपर हम बटन पट्टी चढ़ाकर, देखिए ये हमारी काच वाली पट्टी है, काच वाली पट्टी पे हम इस तरीके से चढ़ाकर वो काली पट्टी पे देखेंगे नीचे से जो जितना कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उससे हम वहाँ से फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो यहाँ हमारी दोनों साइड की सिलाई हो चुकी है। देखिए हमें हमें फिनिशिंग चाहिए, क्योंकि ये कपड़ा अगर हम ऐसे सिल देंगे अंदर की ओर तो ये देखने में मोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ हल्का सा अपनी सिलाई को खोलेंगे इस तरीके से दोनों साइड में। यहाँ देखिए बस ज़्यादा नहीं, हमें हल्का सा खोलना है, और देखिए क्यों ये देखिए खुला। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा देखिए उसे हम इस तरीके से सीधा करके अब एक सिलाई चला देंगे इस पर भी हल्का सा। हमने ज़्यादा कपड़ा नहीं खोला है, थोड़ा सा ही खोला है। अब से साइड में सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद हम अपनी अब फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो वो देखिए कैसे हम लगाते हैं।
यहाँ अपने पैटर्न को ब्लाउज को उल्टा कर लेते हैं, जो भी हमने आप स्टिच किया आपने जैसा भी, तो उसे हम इस तरीके से उल्टा करेंगे। अब इसमें हम फिटिंग का निशान देंगे, जिससे हमारा ये फिटिंग तो होगा होगा, साथ में जो हमने अभी सिलाई किया वो सिलाई अंदर की ओर चला जाएगा और दिखेगा नहीं और वो छुप जाएगा। तो इसे ही कहते हैं इस तरीके से टेक्निक से सिलाई आप करेंगे तो नहीं आपका कपड़ा बाहर से दिखेगा और नहीं आपका कपड़ा अंदर से दिखेगा। चलिए अब हम फिटिंग का मार्क लगा लेते हैं। तो हम मार्क इस तरीके से लगाएंगे, देखिए 9 इंच का हमारा ऊपर का हिस्सा है, जो चेस्ट है वो 9 इंच का है इस तरीके से, और उसके नीचे हम आएंगे 8 इंच, इसे हम कमर की पट्टी कहते हैं। तो ये देखिए कमर की पट्टी पे हम 8 इंच लगाएंगे, और जो कमर हमारा है वो हमारा 7.5 इंच है, ये देखिए 8 इंच से थोड़ा सा कम, बस ज़्यादा नहीं थोड़ा कम है। इसी तरीके से हमें इधर भी मार्क करना है, लेकिन इस साइड मार्क करते हुए ध्यान दें कि हमें पट्टी को नहीं लेना है, पट्टी को छोड़ के मार्क करनी है। ये देखिए इस तरीके से हमें इधर मार्क कर लिया। अब ऊपर वाले हिस्से में हम मार्क की नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ऊपर वाला सेम है, तो हम ऊपर वाला देखिए इस तरीके से मार्क निशान लगाएंगे, इस पर डार्क कर लेंगे इस साइड वाले को, और इसका ही निशान उस साइड में ट्रेस कर लेंगे। तो ट्रेस हम इस तरीके से करेंगे, ये देखिए ये हमारा ट्रेस करने का तरीका है, इस तरीके से ट्रेस कर लेंगे। तो हमारी ट्रेसिंग हो चुकी है, अब चलिए हम इसको सिलाई कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं। तो हम इस पर पहले इसे लॉक कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से आगे पीछे करके हमें लॉक कर लेना, और एक सीधी सिलाई चलानी है इस पर। तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई चलानी है, जो साइड में कपड़ा है उसमें हम 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा दे देंगे, क्योंकि हमें बाद में खोलना और छोटा बड़ा हो तो हम उसे खोल के छोटा बड़ा कर सके। सेम इसी तरीके प्रोसेस में हमें इस साइड भी सिलाई देनी है। तो हमारी देखिए कमर तैयार हो चुका है, आप कमर नाप लें। देखिए दूसरी तरीका नापने का ये है, कमर से नापने के बाद ये भी नापेंगे हम। तो देखिए हमें कितना इंच का ब्लाउज चाहिए वो देखिए इस तरीके से नाप लेना है, तो टोटल में कितना चाहिए वो देख लेंगे। तो यहाँ देखिए 35.5 आ रहा है, हमें यहाँ चाहिए 42 इंच की, तो ये हमारा ब्लाउज 23 इंच बना है, 43 इंच को 1 इंच हम एक्स्ट्रा था उसे हम छोटा कर लेंगे सिलाई चला के, तो वो हम कर लिए हैं। तो चलिए अब स्लीव तैयार करते हैं। स्लीव का तैयार के लिए हम इस तरीके से रखेंगे अपने पैटर्न को, और उसमें कट लगाएंगे, तो ये हमारा ताल कट जाएगा जिससे। तो 1 इंच का ताल डाउन करके कट करते हैं, तो ये ध्यान दें आप। उसके बाद हम स्लीव को इस तरीके से रखेंगे, और उसके बाद ब्लाउज का आर्म होल नापेंगे, ये देखिए ऐसे चाप में फंसा लेते हैं। उसके बाद हम आर्म होल नापेंगे, तो आर्म होल नापने के लिए अपने ब्लाउज को लेंगे इस तरीके से, उसके बाद आर्म होल नापेंगे और वहाँ मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आर्म होल मार्किंग करेंगे, और हम अपने बाह का मोहड़ी लेंगे, तो हमें चाहिए 6.25 इंच, तो इस तरीके से 6.25 इंच हमें रखना है यहाँ पे। ये देखिए अब इसे हम लॉक कर लेंगे, सिल लेंगे, इसमें भी हम 2 या 3 सिलाई एक्स्ट्रा देंगे, और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। तो हमारी सिलाई हो चुकी है, अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद देखिए इस तरीके से स्लीव आएगा। अब हम अपने ब्लाउज को उल्टा रखेंगे, ये देखिए ये हमारा स्लीव सीधा हो गया। अब हम ब्लाउज को अपने उल्टा रखेंगे, और उसके अंदर इस तरीके से पकड़ के डालेंगे और स्लीव को, तो ये देखिए ये हम ऐसे डालना है, और दोनों सिलाई को हमें इस तरीके से मिलाना है, एक दूसरे पे रखना है, और जो नॉच वाले हिस्से उसे हम कंधे के साइड रखेंगे, और जो सिलाई वाले हिस्से वो हम सिलाई वाले हिस्से पे रखेंगे, इस बात का ध्यान दें। और उसके बाद हमें सिलाई करना है, तो ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई चलानी है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हम इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की ओर दबा देंगे, और ऊपर से भी वैसे ही फोल्ड करके अंदर की ओर दबा देंगे। ये देखिए ऐसे दबा दिए हम, अब इसमें हम राउंड में सिलाई चलाते हुए जाएंगे। साथ ही साथ मैं इसमें 2 सिलाई डबल सिलाई चलाऊंगी, क्योंकि मुझे इसे पक्का करना है,
और ये बाद में फंस के ना, इसकी सिलाई ना टूटे, इसलिए हम इसमें डबल सिलाई करेंगे। इसी प्रोसेस में आपको दोनों तरफ का स्लिप लगा लेना है। और स्लिप लगाते समय आप इस बात का जरूर ध्यान दें कि हमें स्लिप और नई बाहों को खींचना नहीं है, और नहीं हमें आमोल वाली जो हमारा ब्लाउज है उसे खींचना, दोनों को नहीं खींचना है। हल्के हाथों से पकड़ के हमें स्लिप लगानी है। ज़्यादातर लोग खींच देते हैं जिससे हमारा सिकुड़न आ जाता है ब्लाउज के स्लिप में, तो वो ना करें वो गलती। इस तरीके से आप लगाएं। तो देखिए यहाँ स्लिप लग चुका है। ये देखिए हमारी स्लिप में कहीं भी सिकुड़न नहीं आया है, कहीं भी कोई खिंचाव नहीं है। तो अब इस तरीके से अगर स्लिप लगाएंगे तो आपका स्लिप परफेक्ट बनेगा। तो चलिए अब हम इसका गला पट्टी तैयार कर लेते हैं। गला पट्टी तैयार करने के लिए हमने तीरा पट्टी कट किया है उसके बाद हमने इस तरीके से इसमें एक डोरी डाला है। ये डोरी आपको कहीं भी मिल जाएगा, रेडीमेड डोरी है। तो देखिए इस तरीके से हमें शर्ट करके इस पर सिलाई चलानी है। ये देखिए ऐसे करके हमें इस पर सिलाई चलानी है। नीचे वाले जो हमारा कपड़ा है वो हमें थोड़ा रखना है, ऊपर वाला कपड़ा थोड़ा बढ़ा के रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम रखें, ऐसे ही आपको भी रखना है। उसके बाद आप सिलाई करें, इस पर सीधी सिलाई लेके हमें लास्ट तक लेके जाना है। साथ ही साथ अगर आपने इसकी कटिंग की फ़ोटो वीडियो नहीं देखी है फ्रेंड, तो हम इसकी कटिंग की वीडियो आपको लिंक में दे देंगे, आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। और पैटर्न की भी मैंने कटिंग लिंक में मैं दे दूँगी, तो आप पैटर्न का भी लिंक जरूर चेक कर लें। इसी तरीके से हमें लास्ट तक लेकर आना है। तो ये देखिए हम लास्ट वाले सिरे तक पहुंच चुके हैं। लास्ट मारने के बाद हमें डोरी को इस तरीके से थोड़ा सा अंदर की ओर रख के कट कर लेना है। ज़्यादा नहीं अंदर रखना, थोड़ा अंदर की ओर रख के कट कर लेना। उसके बाद इसे ऐसे सिलाई कर देना जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही। उसका देखिए हमें इसको ऐसे अंदर की ओर, जो बड़ा वाला कपड़ा उसे हम अंदर की ओर डालेंगे और फिर एक लंबी सिलाई चलाएंगे। एकदम जिस तरीके से हमने चलाया प्रोसेस, उसी प्रोसेस में एक लंबी सिलाई फिर चला देनी है हमें, और उसे लंबी लास्ट सिरे तक लेकर आना है। तो यहाँ हम लास्ट सिरे तक लेकर आ गए हैं। ये देखिए, अब देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा सा हम कट कर लेंगे, बस ज़रा सा एक्स्ट्रा रखना है। उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। ये देखिए ऐसे, फिर जो डोरी लगी हुई थी वो डोरी की पाइपिंग हमारी ऊपर की ओर आ जाएगी, जिससे हमारी बहुत ही पतली पाइपिंग बनेगी। ये एकदम रेडीमेड पाइपिंग की तरह बन जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से पाइपिंग लगाएंगे अपने ब्लाउज़ में तो आपका रेडीमेड लुक देगा पाइपिंग का। तो एक बार आप इस ज़रूर ट्राई करें, इस तरीके से बनाएं।
लास्ट में सिरिया में आते हुए हमें इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की ओर कर देना है, दबा देना है और उसमें डबल लॉक दे देना है। तो अभी इसे हम ओपन करके दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा ब्लाउज बन के तैयार हुआ है। ये देखिए हमारे पाइपिंग बहुत सुंदर बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए जिससे आपको न्यू अपडेट मिलते रहें।